टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आता ही होगा। मुझे जरा चूड़ी दान तो पकड़ाना। जी अच्छा। अरे तुम नए चश्मे बनवा ही लो, कुछ भी नहीं नजर आता। जी बेटा। कहता है कि चूड़ियां पहना कर, नहीं पहनूंगी तो नाराज होगा। कहता है तेरी खाली कलाई मुझे पसंद ही नहीं, खुद तो यहाँ होता नहीं मुझे देखने के लिए,
कहां से आए हो? जी वो जी तो क्या जीजी लगा रखी है, आगे भी बोल। ओ बैग चेक करा अपना, बैग में क्या है? इसमें मेरा सामान है। चेक करा इसमें। ओ तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ चल अपना काम कर, बैग चेक करा बोल। चूड़ियों की दुकान है तेरी? नहीं 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 नहीं। ओ जाओ, स्टेशन बंद हो गया है। ओ को मुसाफिर खाना नहीं है ये, चल जा। जी साहब। पता नहीं कहां कहां से आ जाते कंगले। चला गया। आएगा तो लड़ूंगी उससे। 2 महीने का कहकर गया था, 2 महीने 7 दिन बाद लौट रहा है। बताया मुझे 11 बजे शहर पहुंच गया होगा, लेकिन आएगा घंटों बाद। पता नहीं इसका वहम ही कब जाएगा, कब ये परेशानी के दिन खत्म होंगे। बस कर, ठंड लग जाएगी। अरे आपा कितना ठंडा पानी है। बस कर ना। ए! चल बदमाश उठ, चल, चल। अरे थोड़ा सा खेलने दो। पानी से क्या खेल रहा है, जाया कर। चल उठ उठ अंदर, चल चल बदमाश चल। सुनो लड़के, पानी क्यों जाया कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि रोजे मैशर पानी के एक एक बूंद का हिसाब देना होगा? इस पानी पर दूसरों का भी हक है, पानी जाया नहीं करते बेटा। साहब जी कुछ हमें भी देता जा साहब जी, अल्लाह के नाम पे देता जा साहब जी, कुछ हमें भी देता जा अल्लाह के नाम पे साहब जी।
साहब से कुछ क्या चाहिए? बड़े साहब आए होटल पे। सर जी एक दूध पत्ती चाय और साहब का। मैं रोटी पका लेती हूँ, इतना लंबा सफर है 7 घंटे का, और वो तो रास्ते में कुछ खाता भी नहीं। उसे पता है ना कि मैं हमेशा उसके पसंद का खाना बनाती हूँ। आटा ले आओ। घूम दिया ना जी, लामे पेड़े बना। शुक्रिया भाई, तुम खाओ। दूसरी ट्रेन का इंतजार है। ट्रेन नहीं, हाँ लगता है सर्दी ने तुम्हारी मत मार दी है। वैसे मुझे भी शहर जाना है, मगर सुना है गाड़ी 3 घंटे लेट है। तुमने कहाँ जाना है? वापस। अच्छा, कब आए थे? तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही 3 घंटे भी तो गुजारने हैं ना। इंतजार करने वाला कोई कमरा होता तो मैं तो वहां जाके सो जाता 2 घंटे, मगर वहां का हाल तो हम गरीबों की झोपड़ियों जैसा हो रहा है। सीलन चढ़ी है सर तक, और बदबू तो तौबा तौबा अस्तगफार। पकौड़े खाओगे? नहीं, भूख मर जाएगी। क्यों? मैं कोई इंतजार कर रहा होगा। इतनी देर पता नहीं अब तक आया क्यों नहीं, तक तो आ जाना चाहिए था उसे। रास्ते में गुम ना गया हो, जबकि नए घर का रास्ता भी समझाया था मैंने। मैं जाके खाने के लिए कुछ और लेकर आता, यहाँ की चाय तो बस। ट्रेन फिर लेट हो गई, अभी प्लेटफॉर्म से पता करके आ रहा हूँ। वैसे भाई तुमने कहाँ जाना है? मुसाफिर हो? शायद हाँ शायद नहीं। अच्छा, कोई लेने आएगा? नहीं। तो फिर जाते क्यों नहीं भाई, रास्ता भूल गए हो? वो रास्ता तो मेरे दिल पर नक्श। भाईजान रुके, आप जा रहे हैं? पैसे नहीं दिए आपने, 60 रुपये देने। मीनू की माँ, अब तेरे से कोई काम नहीं होता। ये गुड़िया, इसको भी जमीन पर गिरा दिया,
जिससे मेरी बचपन की इतनी यादें वाबस्ता हैं। समझ गई ना, किसी को बताना मत। इतनी बड़ी हो गई हो आपा, अभी तो गुड़ियाओं से खेलती हो। ये गुड़िया नहीं है, मेरी सहेली है, मेरे दुख और सुख की हमराज। आपको क्या दुख है आपा? बस मैंने इसे बता दिया, काफी। मैं इसे कैसे पूछूंगा, बताओ मुझे। अरे बताओ। दे ना। अरे दे। अरे कब आएगा? उसे तो पता भी है कि वो जब नहीं होता तो मेरा दिल नहीं लगता। जब आएगा तो बहुत लड़ूंगी मैं उससे, इतनी देर लगा दी। ओ भाई, भाई एक बात करनी है आपसे। भाई भाई मेरी भी ट्रेन है, मेरे पैसे गिर गए। अगर आप मुझे एक कप चाय पिला दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप अपना नाम पता बता जाएं, मैं आपके पैसे वापसी पहुंचा दूंगा। शुक्रिया भाई। भाई मैं मांगने वाला नहीं हूं। तेरे बिना तुम घर आ ढूंढना, रो रो के मैं दीवा सदा तुम घर तेरे बिना तू घर thank you.
तुझे डर नहीं लगता? डर? जो लोग प्यार करते हैं ना, उन्हें सिर्फ एक ही बात का डर होता है, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं वो कहीं झूठा ना निकले, छोड़ ना दे। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा और चला जाऊंगा? छोड़ना कौन सा मुश्किल काम होता है नवाज। अभी चाचा नबी बख्श आएगा और तू यहाँ से छलांग मार के भाग जाएगा, गायब हो जाएगा कहीं। अभी इस नदी में कूद के भी जान दे दूंगा, कभी तुझे छोड़ के भागूंगा नहीं, वादा है मेरा। जान देना आसान काम होता है, निभाना मुश्किल। साथ निभाएगा मेरा? चाहता हूँ, बड़े दिल से चाहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरा साथ निभाऊं, पर तेरी इज्जत का ख्याल है ना गिरने, तू सुबह की रोशनी जैसी उजली बेदाग, अब तेरी इज्जत पे कोई हर्फ आए ये कबूल नहीं है मुझे। एक बात बता। पूछ। प्यार करता है मुझसे? हाँ करता हूँ। पता है तुझे, मैं 12 साल की थी और अब्दुल्ला 7 साल का। एक दोपहर घर में लोग आ गए, अम्मा और बाबा से दुश्मनी मोड़ ली। किस बात की दुश्मनी थी पता नहीं, पर थी। चाचा कहते हैं जिदाद का कोई किस्सा था, जिस दिन मैंने अम्मी और बाबा की खून में लथपथ लाशें देखी सारा डर खत्म हो गया। इतना बड़ा खौफ छोटे खौफ को माफ कर देता है। तू भी ना डरा कर, ये देख मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए। आपा वो छोड़े, वो चाचा आया था, पूछ रहा था कि सफिया कहाँ है। अरे तो तू कह देता, मलके के घर गई थी, नगमा की शादी है, मायूं था आज उसका। बताया था मैंने उसको, बोलता है मलकों से हमारी लड़ाई है, सफिया क्यों गई। तो लड़ाई चाचे की है, सफिया को उससे क्या। अरे देख ना मैं तेरे लिए क्या लेकर आई। जब नजमा ने मुझे बताया कि खाना अल्लाह दत्ता ने बनाया है तो मेरे तो हलक से एक नवाला नहीं उतरा। मैंने सोचा मैं घर जाके खाऊंगी अपने सोने शहजादे के साथ, ये ले। ना अल्लाह दत्ता ने खाना बनाया, तुझे तो उसका खाना बड़ा पसंद है ना। तुम भी तो खाओ। अरे हाँ ना खा रही हूँ, ले तू खा। चाचा कह रहा था
कि अगर मैंने सफिया को उनके घर के किसी बंदे से बात करते देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। और वो ये भी कह रहा था कि सफिया हमारी इज्जत है, हमारी होने वाली बहू, अगर उसने मेरी बात ना मानी ना तो। आपा अब ठीक हो? तू नकल उतार रहा है चाचे की? सब खाना तो खा ले। बड़ी चाचा का मसला क्या है? पिनका चौधरी तो क्या हो गया? चाचा के मसले ना हमारे समझ से तो बाहर है, तू छोड़ इसे। और ना आज भाई नवाज मिला था। उसने वो किताबें दिए तेरे लिए। अच्छा? वैसे एक बात है, इसने तुझे पढ़ा दिया। तो कौन सी किताब दी है, दिखाओ मुझे। अरे हाँ, अरे वो मेरे स्कूल वाले बस्ते में पढ़ी है। तो खाना तो खा। आपा यहाँ पर आओ। आ रही हूँ ना, क्या है? जल्दी आओ। वापसी से सीधा घर जाएंगे, आपा ने मना किया है। आपा क्या पता चलेगा यार, अगर आपा पूछ लेंगी तो मैं उनसे झूठ कैसे बोलूंगा। और आपा कहती है कि झूठ बोलने से गुनाह होता है। और वैसे भी आज रात को मुझे शादी में जाना है, आपा की सहेली की शादी है। और मुझे मेरे कपड़े भी सिली करवाने, धोबी से। तो मेरे काले वाले जूते कहाँ होंगे, घर पे जाके ढूंढूंगा, मिल गए ना वही पहन कर जाऊँगा। अच्छे मेरा एक ही तो जूते हैं, वही अच्छे लगते हैं। भाई कौन आ गया सुबह सुबह? जी फरमाइए। सलमान इदरीस यही रहते हैं? कौन सलमान इदरीस? ये किसी सलमान इदरीस का घर नहीं भाई, नाइट ड्यूटी करके आया हूँ भाई, पता तो कर लिया करो यार। ऐसे ही चले आते हैं यार, ये रोज का मामूल बनाया लोगों ने यार। गलत घर पे आ गए भाई, सलमान इदरीस का घर नहीं है। भाई गलत पते पे आ गया, माजरत। Thank you.
वो थोड़ा हौला हाथ रख। किधर जा रही है? वो अब्बा, मलकों की शादी में कोई नहीं जाएगा, बताया नहीं तेरी माँ ने तुझको? हाय हाय, बच्ची तो है, ढोल भी आकर तो शौक होता ही है ना। दुश्मनों के घर ढोलक बजे या मातम हो, हमारी जूती को भी इसकी परवाह नहीं है और ना होनी चाहिए, समझी तू? पर अब्बा, वो अब्बा सफिया भी तो जा रही है। ओ मैं जान ना निकाल दूं उसकी, जा के तो देखे वो। ओ हशमत, कुछ सुना तूने? सफिया तो मलकों की शादी में जा रही। ठीक है जी, मलकों की शादी में जा रही। अरे आपा, चूड़ियां क्यों नहीं पहनी है? अरे लो, भूल गए। अरे पहना करो, मुझे अच्छी लगती है, वैसे भी अच्छी लग रही है। पूरे गांव में तुम्हारे जैसी कोई नहीं। हाँ, अरे तू नजर में रख, एक दिन तेरी भी शादी होनी है। अरे मैं वह शादी नहीं करूंगा। अबे ए, सोहेल रुक जा, सुबह से तेरे को काम आ। मरण जोगी, मैंने तुझे पहले भी मना किया था, पर तुझे तो ना ब्याह पे जाने का बड़ा शौक है। अम्मा, अब्बे को हर वक्त गुस्सा क्यों चढ़ा रहता है? यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, ये ना पहनो, उससे ना मिलो। अब्बे का बस चले ना, वो सांस लेने पे भी पाबंदी लगाते। ना है कमलिए, अब्बा है वो तेरा, और वैसे भी वो जो गल कायद है ना, पत्थर पे लकीर पै जाती है, और उसे ना मलकों के घर आना जाना नहीं पसंद। मेरी गल है ना, कान खोल के सुन ले, आज के बाद कोई ना ना ले, समझी? मुझे तो पहले ही डर लगा हुआ था। कितनी प्यारी लग रही होगी आप, मुझे उसे देखने का कितना शौक था। बड़ी जिद्दी हो तुम, आज भी नहीं पहनी ना तुमने चूड़ियां। तुझसे जो मिलने आना था, मुझसे तो ज्यादा शोर चूड़ियां ही करती हैं। तुम कहां शोर मचाती हो, मैं तो चाहता हूं कि तुम शोर मचाओ, तुम्हारी आवाज मेरे घर के एक एक कोने से गूंजे। आपा, तो आ गया तुम्हारा लड़का। ऊपर क्या कर रही हो, नीचे आओ। अरे मैं आई। अच्छा रुको, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, तू वहीं रुक, मैं आती हूँ। उसके सामने कुछ मत कहिए। उसके सामने क्या कह सकता हूँ भाई, आधा घर वाला है।
बेगैरत, घर का दुश्मनों क्या लेके जाता है तू? दुश्मनों क्या लेके जाता है? मना किया था मैंने कि सफिया को मलाकों की शादी में नहीं भेजना, फिर क्यों गया? चाचा, 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 चाचा से मत मार, इसकी गलती नहीं है, मुझे मार, मेरी गलती है। बड़ा प्यार जतला रही है अपने भाई के साथ, पर एक बात कान खोल के सुन ले, तू अगर तू या तेरा ये भाई मलकों के आसपास भी नजर आए ना मुझे, तो भून के रख दूंगा दोनों को, समझी? मलक है हम, मलक इज्जत पे जान दे भी देते हैं और जान को ले भी लेते हैं, और वैसे भी मेरे पुत्र की मांग है तू मेरे लाडले, इतवार को आऊंगा, निकाह है तेरा मेरे पुत्र लाडले से सादगी के साथ, समझी? तैयार रहना, बहुत मनमानियां कर ली तुम दोनों बहन भाइयों ने, बहुत कर ली। गलत मत, शादी नहीं चाहेंगे, शादी तो कराता हूं ना मैं इनकी। बेगैरत, ठीक है? हाँ, लगा तो नहीं तुझे? चाचा कब आया? चल चल बैठ, मैं देखती हूँ, चल। आपा, ये मलिक लोग तो बड़े भले होते हैं, इनकी चाचा से क्या दुश्मनी होगी? वही कहते हैं मलकों ने पुप्पो का रिश्ता मांगा था, जो इनकार हो गया तो फसाद खड़ा हो गया। कोई कहता है जमीनों की बात थी, ना जाने किस चीज पे झगड़ा था, लेकिन इन झगड़ों का खमियाजा तो नस्लों को ही भुगतना पड़ता है ना। हम भुगत रहे हैं और ना जाने कब तक भुगतेंगे। चल घोड़ा बन। मैंने नहीं बना सरकार घोड़ा, मैंने नहीं बना। चल घोड़ा बन, मैंने चल घोड़ा बन, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा, वो चल खड़ा खड़ा निकल। अब्बा घोड़ा, वो फिकर क्यों करता है मेरे लाडले, अब असली घोड़े पे बैठना, तुम बारात सजेगी तेरी। अब्बा, भाई की? हाँ जी, मेरी बारात। लेकिन अम्मा, अब्बा, ये तो वो खबरदार, जो एक लफ्ज भी कहा तूने, इसका ब्याह सफिया से होगा। ये आसमानी फैसला है, तू ज्यादा टट्टर नहीं कर। वैसे जुल्म है ये अब्बा, वो इतनी सोनी, जवान और जदफा अपने कमरे में, माँ पे उन्हें जो फैसला कर दिया सो कर दिया, समझ नहीं आई तुझे? नहीं अम्मा, नहीं आई समझ मुझे। ओ खदीजा, चुप करा दे इसको, वरना टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा इसके। अब्बा, तेरे फैसलों से तो मौत ही अच्छी, एक बारी आएगी अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह,
हाय नहीं हाय जानदर, तेरी जबान बढ़ती ही चली जा रही है, दफा अंदर। अम्मा अब्बा, क़यामत के दिन हिसाब होगा इन यतीमों का, देख लेना। वो कर लेंगे क़यामत के दिन हिसाब किताब भी, चले दुनिया के हिसाब किताब तो कर लें। तू जानती नहीं है लाडले की माँ कितनी जायदाद है इन दोनों निकम्मे बहन भाइयों के में, सारी रजिस्ट्रियां और कागजात तो मेरे पास हैं, लेकिन लेकिन अंगूठे और मोरे इन कमीनों के नाम की। अब्बा मैं कोड़े उत्ते बहन है। बहुत तू फिकर क्यों कर रहा है, मैं कह आया हूं सफिया से, तैयार रहना इस इतवार को, सादगी से निकाह करके ले आएंगे उसको, वो बैठ जाना फिर तू घोड़े पर, फिकर क्यों करता है। हाँ है, इतनी जल्दी, एक ही तो पुत्र है मेरा। हाँ इतनी ही जल्दी, बस तू पिंड में सुबह मिठाई शिटाई बांट देना, ताकि पता तो लगे कि चौधरी नबी बख्श के बेटे का ब्याह है, कोई मजाक नहीं है। चल ले पकड़, अपने उस्ताद से कह कि तुझे और किताबें ना दे पढ़ने को, वैसे भी इतनी किताबें पढ़ने का क्या फायदा, चमाटे ही पढ़नी है तुझे। हाँ चल भाग। अब्दुल्ला स्कूल नहीं गया तू? मेरे जाने का दिल नहीं हो रहा था, मैं नहीं गया। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुझसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। और कुछ रह गया? कल चाचा ने वैसे ही बड़ी सुतरी कर दी है, अब बस बहुत है। देख अब्दुल्ला मेरी बात सुन, तू आपा को ना लाडले से बचा ले, वो लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं और आपा बहुत अच्छी है, लाडला उसके काबिल नहीं है, तू उसे लेके कहीं भाग जा, तुझे तो पता है वो थोड़ा पागल है। मैं भला आपा को कहाँ पर लेकर जाऊंगा, और चाचा तो हमें जमीन के नीचे से भी ढूंढ लेगा। बस कुछ भी कर, अच्छा मैं चलती हूँ, अब्बा ढूंढ रहा होगा। वैसे तू चला जाएगा तो बहुत याद आएगा, अच्छा अपना और सफिया आपा का बहुत ख्याल रखना। ओ मैंने सोचा चौधरी साहब के घर के करीब से गुजर रहे हैं, ओ क्यों ना बैठ के गपशप भी कर लें, तो दो घोटे चाय भी पी लें। हाँ जरूर, मोहब्बत है तुम लोगों की जैसे मैं मोहब्बत करता हूँ आप सब लोगों से, जानते हैं आप। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। देखो भाई, अपने मरहूम भाई का हाथ पकड़ना बड़े सवाब का काम, मैं तो नेकी समझ के कर रहा हूं ये सब कुछ, वरना कमी नहीं है लाडले को मेरे रिश्तों की, पर अल्लाह को जान देनी है, क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को जो मैंने अपने मरहूम भाई से वादा किया था उसका। ओ मुतबर, ओ ये तो सारी दुनिया जानती है चंगी तरह, हाय मरहूम भाई और भाभी के घर का कैसे ख्याल रखा आपने। अरे बेटी है सफिया मेरी जैसे अपनी रक्षिंदा, वो अपना अब्दुल्ला पुत्र भी आया था हक मेहर और जहेज की बात करने, पर मना कर दिया मैंने, मैंने कहा नहीं मैं ये सब कुछ नहीं लूंगा, तोबा तोबा। वाह वाह वाह, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा दिल दिया है आपको, वो सब लोग यही कहते हैं। चल मेरे घोड़े। Yeah.
चल चल चल, वो मेरी शादी है, वो नचो नचो नचो, चल मेरा घोड़ा चिक चिक चिक, चल मेरा घोड़ा चिक चिक चिक। आप लोग भी आना मेरी शादी में, और सबको खाना भी मिलेगा, और नचो मुंडे। चौधरी साहब, लाडा तो बड़ा खुश लग रहा है। मर उठे। मेरे बाबा मर रहे। बांध के रख अपने इस लाडले को। अरे नाचता फिर रहा है पूरे पिंड में, चांद अभी चढ़ा नहीं, ढोल पीटना शुरू कर दिए हैं इसने, पूरे पिंड में बेइज्जती करवा दी मेरी इसने। तू संभाल के क्यों नहीं रखती है इसको? और हां, मेरी एक बात और सुन ले, अगर ये ब्याह से पहले बाहर निकला ना, तो इसके साथ तुझको भी कोठरी में बंद कर दूंगा, समझी? बेबे, मैंने सफिया नाल ब्याह करना है। अच्छा, सेरा बो। अच्छा मैं कराऊंगी शादी, मैं कराऊंगी। चला, गुलाम चाचा से कहती तुझे बाहर से घुमा फिरा के लेकर आए। अम्मा, अगर कोई तुझे ये कहता कि मेरी शादी ऐसे किसी शदाई से करा दे, तो क्या तू करा देती? चुप कर, ये सब बड़ों के फैसले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ों के सभी फैसले ठीक नहीं होते। पागल हो गई है तू? अब्बे से मार खानी है? गुलाम, ओ गुलाम, जो सच है वो सच है, मारता रहे अब्बा। गुलाम, ओ गुलाम, किधर मर गया पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं गया था? आप ही के पास आ रहा था, तो मेरी आपा ने ये किताब दी है, उन्हें अब और कोई किताब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ना उनकी शादी होने वाली है। शादी? किसके साथ? मेरे चाचा नबी बख्श के पागल बेटे के साथ। सर आप प्लीज मेरी बहन से शादी कर लीजिए, वो बहुत अच्छी है। आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। अरे आपा, आप रहने दे, मैंने जाके देखता हूँ कौन है। अरे तू किधर जा रहा है? कौन आ गया इतनी रात को? मुझे तो डर लग रहा है। अरे आप बैठे ना, मैं जाके देखता हूँ। नहीं नहीं, साथ चलते हैं। चलो। एक मिनट। सर आप जाओ, जाके अपना सामान बांधो, हमें अभी ये जगह छोड़ के जाना है। अभी? हाँ जाओ।
ऐसा करो कि तुम बहन का ख्याल रखो, मुझे लगता है कि नहर बाहर आ गया है, मैं दिख गया था। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं होता, तुम साथ रहना इसके। जी भाई आ रहा हूँ, बस आया। भाग रहे थे मुझसे, मलक से। जानते नहीं है कि इस इलाके का एक परंदा बच के निकल नहीं पाया इस पंजे से। बेवकूफ है वो सरकार। वो पिस्तौल दे उस बेगैरत के हाथों में और बोल उसको कि अपनी बेशरम बहन को गोली मार दे, वरना अपना निशाना नहीं आजमाया मैंने बड़े दिनों से। आप क्यों सरकार, हमारे हाथ सलामत है ना? वैसे गोली की बजाय धक्का। मतलब? धक्का हो गया, जंजीर डाल दी है ना उस भगोड़ी के पैर में। जी सरकार। वो जानते हो सियाणे कहते हैं कि ढोर डंगर हो चाहे वो कोई औरत, वो जिसको एक बार रस्सा तोड़वाने का बल आ जाए ना, उसको हमेशा नकील डाल के रखना चाहिए। इसी में भलाई है उसकी भी और हमारी भी। सरकार आप कहें तो
फैसले के लिए पंचायत बिठवा दूं? हो गया फैसला, हमने कर लिया। और सुबह जाके बता देना सबको कि पंचायत बुलाई थी रात में, फैसला कर लिया है पंचायत ने। गैरत के मामले में देर नहीं करते हम। जैसे आपका हुक्म सरकार। जाओ तुम लोग, गोली की जगह धक्का, गोली की जगह धक्का। आपा मुझे माफ कर दीजिए, आपा मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा उठ यार, देख सुन, मैं चली जाऊं तो तू गुमसुम ना हो जाना, ना ये सोचना कि तेरी कोई गलती है। लाडले से शादी करके भी तो रोज रोज ही मरना था ना, एक ही बार मर जाए इंसान। तो हिम्मत कर, लगता है कोई आ गया। चाचा आ गया शायद। उससे तो मौत का भी इंतजार नहीं है। प्यारी है ना, मेरे शहजादे का ख्याल रखेगी ना, तो इसको रोने ना देना। अब ना तैयार है ना, तू अपनी बहन को धक्का दे देगा ना? वो क्या पूछ रहा हूं, शाबाश, खून है तू हमारा। और मैं तो बचपन में ही पहचान गया था कि हम मालक जिस इज्जत वाली मट्टी से मिले हैं ना, वो खून शामिल है तुझमें। वो खोल इसको और लेके आ इधर। Thank you.
हाफिज। ओए काके, तुम तो बड़ा गैरतमंद निकला, शाबाश। तुमने मेरी सफिया को धक्का देके मार दिया। मेरी शादी, मुझे भी सफिया की बड़ी याद आएगी। चलो उदास हो, कोई मेरे पास ना कोड़े हैं, चला आगे ना उससे हम लोग खेलेंगे। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ ना, अब हम कोड़े देखते हैं, उसमें सवारी करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कोड़े, आओ आओ। किधर हो तुम? दो घंटे से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, कब से ढूंढ रहा था मैं, तुम मिल ही नहीं रहे थे। सॉरी भाई, मैं आपसे रास्ता पूछना चाह रहा था, लेकिन भाई मिल गया। आ गया? कहाँ था तू सारी रात? खाना लगा के रखा था तेरे लिए, इतनी देर इंतजार करवा दिया मुझे। पापा वो रास्ते में 2 महीने का कहकर गया था, पर 7 महीने बाद वापस आया। लेकिन आ तो गया, पता नहीं कितने लोगों से छुपते छुपाते आया। अंदर तो आने दो इसे। तू यहीं पर रुक, मैं तेरी नजर उतार लूं फिर अंदर आए। खैर तो है, सब ठीक है? हाँ, बस वो किसी भी शक हो गया था। तेरा बगैर फैश।